Assalamualaikum people, welcome back to the channel and you are watching Noor Pro Tech. और इसका पिछला नेम था Noor Vlog Star, नेम चैनल का नेम हम चेंज कर चुके हैं। इस चैनल पर आपको बेसिकली अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ वगैरह दिखाए जाते हैं और बहुत सारी यूज़फुल एप्लीकेशंस के बारे में भी आपको बताया जाता है, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, उनके बेनिफिट्स वगैरह से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो आज हम लाए हैं एक और अनबॉक्सिंग जो कि है एक नेक बैंड, और इस पर आज हम बात करेंगे। बेसिकली इसमें आपको ब्लूटूथ वायरलेस एक नेक बैंड मिलने वाला है। इसकी क्या टाइमिंग है, परफॉर्मेंस वगैरह के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बॉक्सिंग पर देखते हैं। बॉक्स पर आपको मिलता है ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का, जो कि नॉट बैड, बहुत अच्छी इसकी रेंज होने वाली है, ब्लूटूथ कवरेज इसकी अच्छी होने वाली है। यहां पर फर्दर आपको मिलता है कॉल टाइम 8 आवर्स, लिसनिंग टू सॉन्ग टाइम 6 आवर्स, स्टैंड बाई टाइम 1 वीक, जो कि बहुत ही आउट क्लास इसकी टाइमिंग होने वाली है। साउंड क्वालिटी देखें तो वो भी स्टीरियो टाइप आपको मिलने वाली है, हेडफोन हेड यानी कि इन द ईयर, ये एक एक्स्ट्रा उन्होंने आपको इसकी इंस्ट्रक्शन वगैरह और बेनिफिट्स दे दिए हैं। वियरिंग मेथड हैंगिंग ईयर एंड ईयर, सिंपली आप गले में डाल लेंगे और कानों में इसके ईयर पीस को सेट कर लेंगे। बड़ा ही यूजफुल नेक बैंड होने वाला है, बिकॉज ये रबर में आता है, फ्लेक्सिबल है, प्लास्टिक मेड नहीं है, तो लॉन्ग लास्टिंग ये चलने वाला है। फर्दर अगर इसके ब्लूटूथ चिप की बात कर लें तो लो पावर कंजप्शन इसमें चिप लगाई गई है, जो कि वॉयलेट लो पावर कंजप्शन की इसमें चिप आपको मिल जाएगी। कलर्स की बात करें तो कलर्स इसमें आपको कुछ लाइक ब्लैक, वाइट, रेड और ब्लू या पर्पलिश टाइप में मिल जाता है। यहाँ पर ये है ब्लैक कलर में, और इसको हम कर लेते हैं अनबॉक्स। तो यहाँ पर देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्वालिटी मिलती है, सब चीज़ के ऊपर बात करेंगे और इसकी कनेक्टिविटी क्या है, हर चीज़ के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। अगर अभी तक चैनल पर नए हैं आप और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से नीचे रेड कलर का बटन आता है उस पर क्लिक करके चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले तो ये एक आपको केबल मिल जाती है जिससे आप इस ब्लूटूथ नेक बैंड को चार्ज करेंगे, और ये डेफिनेटली 2.0 USB टाइप में आती है, जो कि किसी भी एंड्रॉयड फोन के लिए बनी होती है, या फिर आप अपने मोबाइल की एंड्रॉयड मोबाइल की डाटा केबल से भी इसको चार्ज कर सकते हैं। एक चीज का खास ख्याल रखिएगा कि इसके लिए आपने फास्ट चार्जिंग अडॉप्टर्स वगैरह यूज नहीं करने, 1 एम्पीयर की चार्जिंग से भी आउट क्लास चार्ज होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग इनकी बैटरी होती है। अब यहां पर इसकी जो बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी इसकी ना तो बहुत ज्यादा अच्छी है और ना ही बहुत ज्यादा बुरी है। इसको हम अगर रैंकिंग में जाएं तो हम दे सकते हैं इसको 8 out of 10, वो इसलिए बिकॉज ये बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर आप इसकी प्लास्टिक, यहाँ पर ये इसकी प्लास्टिक यूज़ की गई है बटन्स के अराउंड, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये एक नॉर्मल सी क्वालिटी की प्लास्टिक है, लेकिन अगर आप फर्दर इसकी बात करें तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड रबर वगैरह एंड फर्दर इसके ये ईयर पीस के लिए जो आपको ये मिलता है इसकी वायर्स वगैरह, वो अच्छे हैं, बिकॉज हैंड फील होनी चाहिए किसी चीज़। ऑल राइट पीपल, अगर इसकी हैंड फील की बात करें तो हैंड फील इसकी अच्छी है, बिकॉज मैं इसको लाइव टेस्ट आउट कर ही हूँ, ये अभी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। प्लास्टिक की बात करें तो वो एक थोड़ी सी लोकल आपको लुक देगी, बट अगर इसके फर्दर नेक बैंड की बात करें, रबर वगैरह की बात करें, इसकी वायर वगैरह की बात करें, तो वो एक अच्छी आपको फील दे रहे हैं, अच्छी हैंड फील के साथ है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी जो कि नेक बैंड में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, कि इनके ईयर पीस मैग्नेटिक होने चाहिए, क्योंकि जब आप डेफिनेटली इनको यूज़ करते हैं, आप इसको जॉगिंग, जिमिंग या फिर कहीं भी इसको आप ट्रैवलिंग के दौरान, वॉकिंग के दौरान गले में नेक बैंड पहनेंगे, तो ये आपके लटकते हुए यहाँ अलग अलग बिखरे नहीं होने चाहिए, आपके ईयर पीस को अपने आपस में मैग्नेटिकली इस तरह से एक फील देनी चाहिए, ताकि आपके गले में भी खूबसूरत लगे। और दूसरा ये होता है इनका सबसे बड़ा बेनिफिट कि ये आपकी चीज़ों में, आपके कपड़ों में उलझते नहीं हैं, और इनकी लास्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अगर फर्दर इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको सिंपल डिज़ाइन के साथ है, 3 बटन्स मिलते हैं, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, और यहाँ पर कॉल्स वगैरह को आप पिक कर सकते हैं, और इसी इधर से ही आप इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पर इसकी लाइट ये देख सकते हैं आप, ब्लिंक करेगी और ब्लू लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी जैसे ही आप इसको प्रेस करी रखेंगे, ऑन करेंगे। अब यहाँ पर मोबाइल से इसको कनेक्ट करके दिखा देते हैं, आईफोन या फिर एंड्रॉयड मोबाइल या फिर किसी भी डिवाइस वगैरह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऑन कर लेते हैं, आईफोन पर कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको। ऑल राइट पीपल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइट ब्लिंक कर रही है, और आईफोन पर ब्लूटूथ म्यूजिक के नाम से ये बैंड शो हो चुका है। इसको हम कनेक्ट और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म से इसने बड़ी ही शॉर्ट टाइमिंग में कनेक्ट किया है। बेसिकली ये चाइनीज़ बैंड्स होते हैं और इनकी इतनी अच्छी रेंज वगैरह एक्सपेक्ट नहीं की जाती, लेकिन जब आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाए तो वो वाकई तारीफ के काबिल होती है। अब यहाँ पर हम कुछ भी प्ले करके दिखा देते हैं आपको कि लाइक ये एक बेबी सॉन्ग है, तो यहाँ हम इसी को प्ले कर लेते हैं।
डेफिनेटली ईयरपीस से आपको आवाज़ तो नहीं आएगी, बट इसकी श्योरिटी मैं आपको दे सकती हूँ कि ये अच्छे साउंड के साथ है और इसमें आपको फर्दर और कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला ना। इसमें आपको एक डाटा केबल मिल जाती है और सिंपली आपको ये नेक बैंड मिल जाता है जो कि फ्लेक्सिबल इतना है कि आप जिम करें, वॉक करें, कोई भी हार्ड वर्क करें, किसी भी मकसद, किसी भी जॉब पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। और बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट एक्सपेक्ट के काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेरीज ले सकते हैं। अगर आप इसको बॉय करना चाहें तब भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आवर टीम विल बी कॉन्टैक्ट यू और इसकी प्राइसेस वगैरह आपको बता दी जाएंगी, जो कि बहुत ही अच्छा कॉस्ट करने वाला है बिकॉज इसके जो स्पेसिफिकेशंस आपको मिल जाती हैं, 8 घंटे कॉल टाइम देगा, 1 वीक स्टैंड बाय है, 6 घंटे ये नॉन स्टॉप म्यूजिक सुनने पर आपको मिलेगा और साउंड वगैरह इसका वो मेरी गारंटी है वो आपको अच्छा मिलने वाला है। तो ये थी हमारी आज की अनबॉक्सिंग, मिलते हैं किसी और अनदर अनबॉक्सिंग या फिर टेक रिव्यू के साथ। दिस इज योर होस्ट नूर, इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। So I'm doing everything I can to make sure I never love again.